कुछ पुरुषों की शिकायत रहती है कि महिलाएं हार स्वीकार नहीं करती। मैं उन पुरुषों से बता देना चाहता हूं कि हर स्त्री हार स्वीकार करती है, बस हार सोने का हो। एक आदमी गुरुजी के पास गया और गुरुजी से बोला, गुरुजी ये बताइए मैं अपने अंदर कैसे झांकूं, अपनी कमियां कैसे ढूंढूं। गुरुजी बोले, बेटा बहुत आसान है, शादी कर लो, फिर देखना तुम्हारी पत्नी केवल तुम्हारी ही नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे खानदान की इतनी बार कमियां गिनवाएगी कि तुम्हें खुद ब खुद याद हो जाएंगी। एक पत्नी ने बड़े ही प्यार से अपने पति का सर दबाते हुए पूछा कि ये बताइए शादी से पहले सर कौन दबाता था। पति बोला, शादी से पहले दर्द ही कहां होता था। इस बार चुनाव प्रचार भी कमाल का हो रहा है। एक लड़के ने लड़की से कहा कि तुम बीजेपी की तरह मुझको चाहो तो हम कांग्रेस की तरह बर्बाद ना हो जाएं तो कहना। आप सबसे लास्ट में एक ही बात कहना चाहता हूं कि घर वालों की नजरों में आप भले ही निकम्मे और नालायक इंसान हो, लेकिन केवल और केवल इस दुनिया में चुनाव आयोग वाले ही ऐसे हैं जो आपको जिम्मेदार नागरिक बताते हैं। आजकल के लोग तो कमाल के ही हो गए हैं। एक डॉक्टर साहब ने बोला, ये मरीज मर चुका है। तभी मरीज बोल पड़ा, मैं तो जिंदा हूँ। मरीज की पत्नी बोली, तुम चुप रहो जी, हमेशा अपनी चलाते हो, इतना बड़ा डॉक्टर क्या झूठ बोलेगा। एक पति पत्नी भरे हुए बस में यात्रा कर रहे थे। पति देव एक सुंदर औरत से बस में सटकर खड़े हुए थे। स्वाभाविक रूप से ये देखकर पत्नी जल रही थी। अचानक वो सुंदर औरत घूमी और आदमी के गाल पर एक तमाचा मारा। शर्म नहीं आई पराई औरत को चिकोटी काटते हुए। बस से उतरकर पति पत्नी को सफाई देने लगा कि उसने चिकोटी नहीं काटी थी। पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, और चिपको, चिकोटी मैंने काटी थी। एक राजस्थानी बीवी सुबह सुबह झाड़ू लगा रही थी तो पति कमरे में बैठा था। बीवी बोली, थोड़ा सरक जियो। पति उठकर बरामदे में चला गया। थोड़ी देर बाद वो बरामदे में आ गई, बोली, थोड़ा सरक जइयो। पति उठकर आंगन में आ गया। थोड़ी देर बाद वो भी आंगन में आ गई, बोली, थोड़ा सरक जइयो। पति चुपचाप घर से बाहर निकला और 3-4 दिन तक कहीं चला गया। पति का कुछ अता पता नहीं चला। पत्नी परेशान हो गई। 5वें दिन पति ने फ़ोन किया कि मैं जोधपुर में हूँ और सरकूँ के। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा कि भाई, जब लड़की देखने गया था तो उसकी आवाज रेडियो से भी हल्की थी, शादी के बाद न जाने कौन सा बूफर लग गया।